पहले जो टेंटेटिव डेट थे नेट के, वो नवंबर 15 के आसपास था, तो और अब उसे कर दिया गया है सितंबर 16 से 18 और 21 से 25 के बीच में ऐसे कर दिया गया है। तो एक तो टेंटेटिव डेट था वो पहले वाला जो 15 नवंबर को है, जो बच्चों को बताया गया था कि हो सकता है कि नवंबर में आपकी परीक्षा हो, तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करने की कोशिश कर रहे थे। अभी एनटीए ने निकाला है एक साथ एग्जाम के सारे एग्जाम्स के सितंबर में डेट्स, अचानक से बच्चे 15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, 1 महीने में कैसे? ये तो सोचना चाहिए था ना कि सरकार को, या जो भी तय कर रहे थे, जिन्हें ये बात तय करनी होती है, वो ये सोचेंगे कि बच्चे इस 1 महीने में यूपीएससी, जो 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है 4 अक्टूबर को, उनमें से भी बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे एग्जाम नेट के, उनका क्या होगा? वो तो नेट, या तो नेट छोड़ना पड़ेगा उनको जेआरएफ, या यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। सरकार को करना चाहिए था कि नवंबर के बाद रखते या नवंबर में रखते, ताकि बच्चे ये श्योर हैं अभी तक कि नवंबर में एग्जाम होता है। अचानक से ये बम फोड़ देने के कारण अब सब में मानसिक रूप से तनाव आ गया है। सितंबर मंथ में बहुत सारे एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं और मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और तो मुझे लगता नहीं कि इस सिचुएशन में इतनी मूवमेंट ठीक रहेगी। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा समय और देते नवंबर तक कम से कम तो सही रहता, नवंबर सेकेंड वीक या इसके बाद एग्ज़ाम होता जैसे पहले आया था, नोटिस नहीं आया, हो सकता है ऑफिशियल नोटिस ना हो, पर ऐसे सुनने में आया था कि शायद सेकेंड वीक में हो, तो बाद में भी करा सकते थे।